हेलो एवरीबडी अनंत शेखर आई वेलकम यू ऑल इंजीनियर्स अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप सब लोग को पता होगा आ चुका है और एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करने का डेट भी स्टार्ट हो चुका है टुडे इज़ ट्वेंटी ऑफ दिसंबर कल से ही मीन्स ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है आप में से कुछ लोगों ने फॉर्म फिल कर भी दिया होगा लेकिन कुछ लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो एक बार पहले कुछ चीज़ों को एनालाइज़ कर लेते हैं फिर उसके बाद डिसाइड कर लेंगे फॉर्म फिल करना है कि नहीं फिल करना है और फॉर्म फिल करना है तो फिल करने के बाद फिर उस फॉर्म को फिल तो कर दिया जॉब कैसे लेके आनी है क्योंकि केवल फॉर्म फिल करने से जॉब तो हाथ में आएगी नहीं तो उसके लिए प्रिपेयर करना होगा तो क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए हमें कितना हमें कितना टाइम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ ऑफ इंडिया देने वाली है इस एग्जामिनेशन के के प्रिपरेशन प्रिपरेशन लिए उसके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे तो सेशन में आगे बढ़ेंगे मुझसे पहले एक बार सेशन आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना और एक बगल में एक बटन होता है वो एरो वाला जिससे शेयर कर सकते हो आप तो कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस सेशन को शेयर कर देना चले तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं जब जागो तभी सवेरा कुछ लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा ऑलरेडी जाग चुके होंगे कुछ लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया होगा जाग जाओ क्योंकि जब जागो तभी सवेरा तो हम यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या करने वाले हैं पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ए की जॉब में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उन एयरपोर्ट्स में आपको जॉब मिलती है चाहे फिर वो कश्मीर का एयरपोर्ट हो सकता है दिल्ली का एयरपोर्ट हो सकता है चंडीगढ़ हो सकता है इलाहाबाद हो सकता है लखनऊ हो सकता है जयपुर हो सकता है उदयपुर हो सकता है जोधपुर हो सकता है भोपाल हो सकता है बहुत सारी लोकेशनस हैं और सारी की सारी लोकेशनस कोई भी अगर एयरपोर्ट है तो सीधी सी बात है अच्छे सिटी के अंदर आपका होगा लोकेशन और रिमोट में नहीं होगा आपका जो लोकेशन होगा वो शहर के अंदर होगा हाँ शहर से बाहर एयरपोर्ट थोड़ा सा दस पंद्रह किलोमीटर लेकिन हाँ ऐसा नहीं होगा कि like रिमोट में एक अच्छी जॉब मिलने वाली है और इसका सीटीसी जो रहता है वो ट्वेल्व लैक्स पर एन रहेगा स्टार्टिंग में मतलब आप कह सकते हो कि आपकी जो सैलरी होगी वो एटी थाउजेंड से वन लैक इन हैंड आपको मिलने वाली है स्टार्टिंग में ठीक है और जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ वो सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी वर्किंग जो रहेगी वो यहां पर क्या रहेगी तो यहाँ पर जो ए का जो वर्किंग रहता है वो रहता है जो भी एयरपोर्ट्स हैं उन एयरपोर्ट्स में अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन जो आई होता है अच्छा आई एम डी से आ जायन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग के एम्प्लॉयज होते हैं हर एयरपोर्ट पर आईएमडी का ऑफिस होता है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं वो बताते हैं कि मौसम की कंडीशंस कैसी हैं लाइक like, कभी कोहरा हो सकता है कभी तेज बारिश हो सकती है तो ऐसी कंडीशंस में जो भी प्लेन आने वाले हैं उन प्लेन को उतरने के लिए उतरने देना है नहीं देने देना है और फिर उसके बाद जो ए होता है वो अपना दिमाग लगा के डिसाइड करता है कि इतनी फ्लाइट्स लैंड होती हैं होने वाली होती हैं इस टाइम पर इतनी फ्लाइट्स वहां से आने वाली होती हैं इतनी फ्लाइट्स को टेक ऑफ करना होता है तो उन फ्लाइट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग किस टाइम पर शेड्यूलिंग किया जाए और अगर कोई लैंड होने वाली फ्लाइट है तो उसको अलाउ किया जाए या भी घुमाते रहा जाए आपने कुछ मूवीज देखी होंगी तो जिसमें ए जो होता है वही इंस्ट्रक्ट करता है पायलट को कि हाँ आपको इस वाले वहां पे जो रनवे होते हैं तो इस वाले रनवे पर आपको उतरना है और इस टाइम पर आप उतरोगे ऐसे टेक ऑफ करना है तो इस टाइम पर आपको टेक ऑफ करना है यहाँ से ये ये वाले रनवे तक जाना है आपको अगर आपने फ्लाइट से अगर आपने कभी ट्रेवल किया हो तो देखा होगा तो फिर उस रनवे से उड़ान भरनी है आपको तो मल्टीपल बहुत सारे रनवे होते हैं तो ये ए का वर्क होता है और इसके लिए थोड़ी सी माइंड की जरूरत पड़ती है इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए अच्छे माइंड वाले जो पर्सनस हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग में अपने माइंड को अच्छे से डेवलप कर लिया होता है उन्हीं को कॉल करती है या जिन्होंने फिजिक्स मैथ्स पढ़ी होती है क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स माइंड को अच्छे से डेवलप करते हैं तो इसका जो एग्जाम होता है उसमें भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है तो इसीलिए बी या फिर बीटेक वाले स्टूडेंट्स को यह कॉल करते हैं चलिए तो ये तो हुआ वर्किंग यहाँ पर क्या रहता है अब इसका जो एग्जाम होने वाला है जैसा भी मैंने बताया फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दोनों पार्ट होते हैं इसके सब्जेक्ट्स में तो यहां पर इसके अलावा आपका जनरल जो इंटेलिजेंस है उसको चेक करने के लिए यहां पर 50 परसेंट वेटेज होता है जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 20 क्वेश्चंस आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होंगे है ना उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड और निवेकल एबिलिटी जिसको आप क्वांट बोलते हो उससे 15 मार्क्स होंगे और जीके और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके यहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चंस टोटल 60 क्वेश्चन यहां पर आपको मिलने वाले हैं इससे ठीक है तो यहाँ पे एक छो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स हैं आप एक एक चीज़ पर ग्रेब आप अपना बनाते हो एक एक चीज को कवर कर सकते हो हो सकता है किसी का क्वांट वाला पार्ट जो होगा रीजनिंग वाला पार्ट जो होगा वो अच्छा होगा लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही होगी किसी का इंग्लिश वाला पार्ट लैंग्वेज वाला पार्ट अच्छा होगा करंट अफेयर्स अच्छा होगा लेकिन क्वांट रीजनिंग में स्पीड की प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास टाइम है अभी वो इंप्रूव करना है उसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट जो अच्छा वेटेज वाला पार्ट हो जाता है दैट इज पार्ट भी जिसमें आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट हैं वो वही हैं जो आपने एलेवंथ ट्वेल्थ क्लास में पढ़े थे लेकिन जब सिलेबस इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास वाला पूछा जा रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें भी तो एलेवेंथ ट्वेल्थ तक में ही पढ़ी हैं आपने सारे क्वांट ट जो भी सी चीज़ें वो एट्थ नाइन टेंथ तक में पढ़ी हैं तो फिर यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन या फिर बी और इन सब एलिजिबिलिटी क्यों है? क्योंकि माइंड आपका उस हिसाब से developed हुआ होना चाहिए रिक्वायरमेंट जो है वो तो ये है लेकिन माइंड आपका जैसे जैसे आप पढ़ते हो तो उसके हिसाब से ही डेवलप होता है ना तो माउंट माइंड उस हिसाब से आपका डेवलप्ड हुआ होना चाहिए ठीक है इस, आ, तो यहां पे जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहने वाला है ये वही रहने वाला है जो इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है आपने तो टोटल क्वेश्चंस 120 मिलने वाले हैं 120 मार्क्स के लिए 120 मिनट्स आपको ड्यूरेशन मिलेगा मतलब एक क्वेश्चन एक मिनट में होना है तो एक क्वेश्चन अगर एक मिनट में होना है तो चलिए यहां तो कोई बात नहीं इंग्लिश वाला पार्ट हो जाएगा करंट अफेयर्स के साथ टच में हो तो एक मिनट नहीं छोड़ो बल्कि थर्टी फोर्टी सेकंड में हो जाएगा वहां से टाइम सेव कर सकते हो तो थोड़ा सा स्पीड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग में वहां थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी और फिजिक्स और मैथमेटिक्स को इस लेवल पर प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा कि कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने दिखे अगर उसमें थोड़ी कैलकुलेशंस भी हैं अगर तो वो थर्ट, आ, 60 में थर्ट सिक्सटी मिनट में हो पाए ठीक है उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा अब यहां पर एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये एग्जाम होगा कब ये एग्जाम कब होने वाला है क्या इसकी डेट्स रहने वाली हैं और क्या क्या सिलेबस अलग अलग इंच एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को देखें तो यहां पर कौन कौन सा सिलेबस का पार्ट मिलने वाला है आपको तो यहां पर आ, रीजनिंग जो है उसमें रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट साइलोगिज में ब्लड रिलेशन पजल इनक्वलिटीज़ इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग डेटा सफिशियंसी ऑर्डर एंड रैंकिंग एल्फानमिक्स इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग ये सारा पार्ट यहाँ पर रहने वाला है ठीक है ये रीजनिंग वाला पार्ट रहा उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर लैंग्वेज में इंग्लिश से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये सारा जो है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट है अगर हम ओवरऑल काउंट करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन ट्वेल्व के आसपास टोटल टॉपिक्स हैं और अगर एक टॉपिक को अगर हमें प्रिपेयर करना है तो कम से कम एक दिन उसको समझा जाए अगले दिन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की जाए तो इतने दिन तो चाहिए आप इंग्लिश के लिए बात करें अगर ऐसे अगर आप रीजनिंग के लिए बात करें तो उसमें भी टॉपिक्स जो थे करीब बारह पंद्रह टॉपिक्स हैं, तो इतने दिन आपको चाहिए कम से कम मार्च अच्छा अब एग्जाम कब होने वाला है ये क्वेश्चन है इसके बारे में मैं एक थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा उससे हम एग्जाम की डेट क्या है उसके बारे में खुद से समझ सकते हैं कि एग्जाम कौन सी डेट को होने वाला है बताता हूं अभी मैं थोड़ी देर में अगर यहां पे जनरल नॉलेज के सिलेबस की बात करें तो आप यहां पर भी देख रहे हो वन टू थ्री अच्छा जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा आपको देखने में चीजें छोटी लग सकती हैं कि एक टॉपिक है एक दिन में हो जाए लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए होता है चीजों को समझने में इस ग्रेप में लेके आने के लिए कि करंट अफेयर के साथ उनको टच उनको हम कनेक्ट कर सकें जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाए उसके बाद ये ऐसे आप एप्टीट्यूड में देख सकते हो एप्टीट्यूड का सिलेबस है अब क्वेश्चन जो है वो ये है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स का हाईएस्ट वेटेज रहने वाला है थर्टी थर्टी क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो ट्वेल्थ में फिजिक्स में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टेट्स है ना वेव्स एंड ऑप्टिक्स है ना इलेक्ट्रिसिटी ये सारा ट्वेल्थ वाला फिजिक्स है इसके बाद अगर मैकेनिक्स थर्मल फिजिक्स अच्छा ये भी मूविंग चार्जेज वाला भी ट्वेल्थ क्लास वाला हो गया नेक्स्ट उसके बाद ये स्किलर्स इस, एंड से आपने एलेवं क्लास में पढ़ा है कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं तो ये फैकल्टीज आपके साथ मिसले यहाँ पर जो जरूरी हो जाता, जाता है ये मिसलेनियस का मतलब क्या है तो जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स रहेंगे गुड इवनिंग जनातोल उनके हिसाब से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि इक्का दुकान उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं तो हमें यह भी प्रिपेयर करना होगा और उसके लिए हमें एनफ टाइम का रिक्वायरमेंट है मतलब कंक्लूजन यह निकल के आ रहा है कि टाइम इज इंपॉर्टेंट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैथमेटिक्स में भी बात करें तो वन टू थ्री टेन टॉपिक्स हैं अगर मैं काउंट करूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन टॉपिक्स हैं हालांकि यहां पर इस YouTube चैनल पर मैं कुछ सेशंस लेकर के आया था जिनमें हमने मेट्रिक से इसको डिस्कस किया है लिमिट्स को डिस्कस किया है मैट्रिसेस को डिस्कस करने में आई थिंक चार या पांच सेशंस लगे थे अभी भी वो कम मैं हर बार ये बोला हूँ कंप्लीट डिस्कशन नहीं हुआ थोड़ा टाइम और चाहिए होता है लिमिट्स हमने डिस्कस किया है दो सेशन्स लगा के डिफ्रेंशिएशन चल रहा है अभी सेशंस आप लोग अटेंड कर रहे होंगे दो से तीन बजे के बीच में ये सेशन्स होते हैं तो आप इनको अटेंड करेंगे तो ये सब करने में हमें टाइम तो लगेगा टाइम तो चाहिए तो ऐसा नहीं कहीं हम सोचें कि लास्ट में कि प्रिपेयर कर लेंगे लेकिन एक क्वेश्चन होता है वो लास्ट कब होगा जैसे अभी एक मार्च वाली डेट आई कि मार्च के स्टार्टिंग में इसका एग्जाम हो सकता है तो हम कहीं सोचें कि फेब में चलो स्टार्ट करते हैं सर आपने बताया टॉपिक एक टॉपिक में चलो सर

इसी साल इसी साल मतलब 2022 में ही आप देख रहे हैं गौर कर रहे हैं एक साल भी पूरा नहीं बीता और उसके बाद अगेन वैकेंसीज आ गई आप देखें यहां पे पे करें लास्ट टाइम टोटल वैकेंसीज 400 थी उनमें से कुछ जो वैकेंसीज थी वो अदर मैनेजमेंट से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड भी थी कुछ वैकेंसी तो इनमें से 368 सिक्सटी एट वैकेंसी थी जो एटीसी के लिए थी एटीसी जेई के लिए 368 सिक्सटी एट थी छ महीने के बाद ही वापस से 300 हंड्रेड समथिंग वैकेंसी निकल के आई हैं जिनमें से थ्री फिफ्टी सिक्स वैकेंसी जो है वो ए के लिए हैं टोटल थ्री सिक्सटी फोर या थ्री थ्री सिक्सटी फोर है उनमें से थ्री फिफ्टी सिक्स वैकेंसी जेई के लिए एक साथ भी ले सकते थे ऐसा स्पेशल छह महीने में क्या रिक्वायरमेंट हो गया आप देख रहे हैं डिमांड आप डिमांड देख रहे हैं सप्लाई आपको करनी है अपने आप को प्रेजेंट करना है अपने आप को प्रूव करना है अगर आप उस डिमांड के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो देखिए छह महीने बाद वैकेंसी निकल के आए और ए आई की वैकेंसी करीब करीब हर साल निकल के आ रही है ये तो इस साल है कि एक साथ दो बार निकल के आ गई है।, है ना तो अपने को प्रिपेयर जिन लोगों ने कर लिया लास्ट टाइम पे भी कुछ लोगों ने प्रिपेयर किया होगा जो चूक गए वो अब की बार नहीं छोड़ने वाले हैं जिन लोगों ने पिछली बार नहीं पढ़ा था पिछली बार नहीं सोचा था नहीं ध्यान दिया था जो पिछली बार पढ़ चुके थे वो आपकी बार आपको छोड़ने वाले नहीं है तो वो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि उनको पता है एग्जाम कब होने वाला है कब होने वाला एग्जाम देखिएगा यहाँ पे पिछली बार जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो फिफ्टीन ऑफ जून से हुए थे और फोर्टीन ऑफ जुलाई को इसका एप्लीकेशन का एंड हो रहा था इस बार क्या है ऐसा ऐसा इस बार स्टार्ट हुआ है देखो एक महीने का टाइम मिला है 15 से स्टार्ट होके 14 को खत्म इस बार स्टार्ट कब हुआ है इस बार स्टार्ट हुआ है ट्वेंटी को

आप लोग अंदाजे लेके से बताएंगे कुछ एग्जाम कब होना चाहिए सर अगर 15 से स्टार्ट होके 14th ऑफ जुलाई तक फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है उसके बाद एग्जाम कब कंडक्ट हुआ होगा कितना टाइम दिया होगा एग्जाम के लिए बात नहीं हर कोई बिगिनर होता है आप तो मुझे एक बार अपना experience से बताइए कि थोड़ा सा भी experience हो भाई तो तो कब पेपर होना चाहिए अभी होकर चुका है पेपर अभी चार दिन पहले अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो झूठ है पेपर कब हुआ होगा इसका बताना जल्दी सब लोग रेस्पॉन्ड करो भाई देख रहे हो अपना अपना रिव्यू तो दे सकते हो अपना व्यू बताओ कि सर इसके बाद एक महीने का टाइम दिया होगा डेढ़ महीने का टाइम दिया होगा दो महीने का टाइम दिया होगा उस हिसाब से अब की बार कब एग्जाम होने वाला है उसकी डेट निकाल लेंगे हम जल्दी यार अपना व्यू बताओ चलिए एक व्यू आ रहा है फाइव टू तो सिक्स मंथ्स और कोई एनीवन एल्स कपिल ने तो इतनी देर में शायद डेट निकाली है कुछ ट्वेंटी सेवन जुलाई स्पेशल क्या नेटवर्ट पर सर्च करके निकाली है या फिर कुछ अंदाजे से बोला है अगस्त में हुआ था अगस्त में कब लास्ट ऑफ अगस्त स्टार्टिंग ऑफ अगस्त या लास्ट ऑफ अगस्त देखो मुझे लगता है कि एक महीने का टाइम तो कम से कम देना चाहिए अभी अभी हम एनालिसिस करके चुके थे हमने देखा था कि टॉपिक्स जितने अगर रोजाना हम मैथ्स भी पढ़ रहे हैं हम फिज़िक्स भी पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं जनरल वाला भी कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और तो एक घंटा अगर एक टॉपिक को ले, ले दे रहे हैं तो एक टॉपिक को खत्म होने में दो दिन तो मिनिमम लगने वाला है मैं जनरल की बात करूं अगर मैं पे मैथ्स या फिजिक्स की बात करूंगा तो वही तीन से चार दिन तक भी जाएंगे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं है ना तो तीस चालीस पैंतालीस दिन का टाइम तो मिलना चाहिए सर 45 डेज का टाइम मिलना चाहिए इसका मतलब फोर्टींथ जुलाई के बाद 15 दिन जुलाई में और फिर अगस्त में या तो एंड ऑफ अगस्त मुझे जो लगता है जो सही होगा वो होगा एंड ऑफ अगस्त में होना चाहिए एग्जाम या फिर और अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए अब अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे अगर वो एंड ऑफ अगस्त की बजाय सेप्टेंबर में ले, ले लें एग्जाम तो मजा ही आ जाए सेप्टेंबर में पांच दस सेप्टेंबर के बाद ले लें तो सब कुछ प्रिपेयर करके चले जाए हम लेकिन ऐसा हुआ नहीं एनालाइसिस बिल्कुल ठीक है एनालाइसिस बिल्कुल ठीक है कि जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 45 डेज का टाइम रिक्वायर्ड है लेकिन वो 45 डेज का टाइम जो रिक्वायर्ड है उसके लिए एक महीना यही है भाई बल्कि ये नहीं जो अच्छे समझदार लोग हैं वो जब नोटिफिकेशन निकला होगा ना जैसे इस बार नोटिफिकेशन निकला है नाइन्थ ऑफ दिसंबर से तभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट हो गया क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन निकला सब कुछ आ चुका है कि इतने क्वेश्चन होंगे इतने मिनट का होगा ये ये टॉपिक्स होंगे सब कुछ पता है तो काहे प्रिपेयर नहीं कर रहे हो भाई किसका इंतजार है बिल्कुल सही बोल रहे हैं नितेश जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम इतनी लेट नहीं हुआ था एंड ऑफ अगस्त या सितंबर में नहीं हुआ था एग्जाम हुआ था इसी के आप अगर देखते हैं अगर आप देखते हैं यहां पर तो एक महीना ये और फिर करीब बारह तेरह दिन और दिए थे ट्वेंटी से ऑनलाइन एग्जाम था थ्री शिफ्ट में एग्जाम हुआ था ट्वेंटी सेवन से लेकर के और मतलब जुलाई के एंड में एंड अप हो गए थे सारे सेट्स का एग्जाम इज इट क्लियर और नॉट बात है तो इस बार भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हम इस बार भाई ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जनवरी लास्ट डेट है तो जनवरी चलो पूरा छोड़ के फेब के स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि फिफ्थ से लेकर टेंथ ऑफ फेब तक के बीच में कोई भी डेट आ जाएगी फिफ्थ फेब से लेकर के टेंथ ऑफ फेब तक के बीच में कोई भी डेट आ जाएगी जो समझदार थे जिन्होंने पुराना एक्सपीरियंस लिया था वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं लाइक like मैं भी पिछले करीब डेढ़ दो वीक से सेशंस ले रहा हूं और उन सेशंस में लाइव में आकर के क्लासेस अटेंड कर रहे हूं और पूछते हैं कि सर बैच कब स्टार्ट होगा वो बैच कब स्टार्ट होगा मतलब वो एक इंटरेक्टिव मैनर में डेडिकेटेडली प्रिपेयर करने का इंतजार कर रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो क्योंकि उनको पता है टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है तो आप भी यही मान के चलिए कि फिफ्थ फेब के आसपास में नजदीक में एक दो दिन ऊपर नीचे कोई भी डेट आ सकती है अगर के बाद डेट आती है तो मान के चलिएगा वो हमारे ऊपर परोपकार होगा ए वालों की तरफ से ए मैनेजमेंट की तरफ से परोपकार होगा कि हमारे ऊपर थोड़ा सा उन्होंने दया कर ली कि टाइम और दे देते दे हैं दे। समझ रहे हैं बात ये तो जो लोग इस एक्सपीरियंस को ध्यान में रख रहे होंगे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा इसी यूट्यूब चैनल पर रोजाना हम सेशन लेकर के आते हैं रोजाना दो पी से लेकर के और थ्री पी के बीच में मैं मैथमेटिक्स डिस्कस करता हूं 2 पीएम से 3 पीएम के बीच में उससे पहले फिजिक्स चलता है 1 पीएम से 2 पीएम के बीच में 3 पी से लेकर के एंड 4 पीएम के बीच में इंग्लिश वाला क्लास आपका चलता है इससे पहले आपका क्वांट वाला रीजनिंग वाला जो है अभिषेक सर का क्लास चलता है और उससे पहले अर्ली मॉर्निंग में आठ से नौ या साढ़े आठ से साढ़े नौ के करीब जो टाइम होता है उसमें आपका करंट अफेयर्स जीके वाला पार्ट चलता है तो उन लोगों ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है और जो लोग यह समझ चुके हैं कि सीरियसली पढ़ना है हमें हर चीज को पढ़ना है जो क्लास में डिस्कशन होता है उसके नोट्स का पीडीएफ भी हमें चाहिए हमें डाउट्स अगर पूछे हम तो डाउट्स उसी टाइम पर पूछ सके हम डाउट्स को शेयर कर सके उन लोगों ने ऑलरेडी बैचेस ज्वाइन भी कर लिया है और बैच स्टार्ट भी हो रहे हैं ट्वेंटी ऑफ दिसंबर से हम बिल्कुल यहां पर कोताही नहीं बरतने वाले हैं भाई ट्वेंटी अभी वेट नहीं करेंगे कि हाँ फॉर्म तो फिल होता रहेगा जनवरी में चलो 15 जनवरी 20 जनवरी से बैच स्टार्ट करते हैं नहीं बैच स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी से ऑफ ऑफ फेब सॉरी दिसंबर से लेकर के हमें पूरा जनवरी का टाइम मिलने वाला है पांच दिन इधर मान के चलो पांच दिन फेब में मान के चलो तो हम, हमारे पास करीब फोर्टी डेज मिल रहे हैं हमारे पास हमें पांच दिन की अभी भी कमी है तो उस पांच दिन को तो थोड़ा सा और मेहनत करके करना पड़ेगा हमें मैंने आपको सिलेबस एनालाइज करके बता दिया मैंने मैं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैथ्स में फिजिक्स में कोई इक्का दुक्का टॉपिक ही ऐसा कोई होगा जो दो दिन में खत्म हो पाएगा तीन दिन तक भी लगेंगे क्वेश्चंस भी करने हैं चीजों को समझना भी है तो कई मैथ्स या एंसर रिलेटेड जो क्लास होंगी उनको एक घंटे की क्लास में नहीं कर सकते यूट्यूब पे यहां पर कंस्टेंट हो जाती है एक घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं ले पाते हैं लेकिन बैचेज में वहां पर दो घंटे की क्लास भी होंगी सब्जेक्ट्स की Uh, शरत क्लासेज विल बी इन बाई लैंग्वेज मीन्स आपको जो नोट्स प्रोवाइड होंगे दैट विल बी इन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन विल ऑल्सो बी इन इंग्लिश इफ़ यू विल फील एनी अनकंफर्टेबल विथ समथिंग दैन इट विल बी इन इंग्लिश लेकिन नोट्स भी इंग्लिश में होंगे लेकिन ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप हिंदी में तो इसलिए हिंदी में होता है मतलब ज़्यादा जा, अच्छे से आप चीज़ों को समझ सकते हैं हिंदी में इसलिए हिंदी में समझाया जाएगा बट दैट विल बी इन बाईलिंग ऑल्सो मीन्स जो भी टेक्निकल uh, टर्म्स होती है वो इंग्लिश में ही होती है जनरल वे ऑफ टॉकिंग जो होगा वो इंग्लिश में हिंदी में होगा तो आप लोग रेडी हैं क्या इसके लिए अगर आप लोग रेडी हैं बिल्कुल भी एक भी दिन का टाइम नहीं गवाना चाहते हैं तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप इंस्टॉल कर ले और अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट को जाकर के विजिट करें अड्डा ट्वेंटी की वेबसाइट पर जाकर के आप जो डेडिकेटेड बैचेस उनको देख सकते हैं इन डेडिकेटेड बैचेज को देखना है तो ट्वेंटी जाकर ऑल कोर्सेज में जाकर के आप ये देखेंगे गेट एंड इंजीनियर एग्जामिनेशन वहां पर आपको ये ए आई का डेडिकेटेड बैच नजर आ जाएगा बॉन्ड सेवन लाख का जो है वो ट्रेनिंग से नहीं बॉन्ड में पैसे नहीं प्रोवाइड करने होते हैं बॉन्ड में एक रुपए भी भरना नहीं होता है बॉन्ड का मतलब भी होता है कि आप ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर ली उसके बाद ट्रेनिंग ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक तो आपको सैलरी मिलती है पूरी काम तो कुछ करना नहीं होता आपको सैलरी दी जाती है आपको रहने वहने का सब अरेंजमेंट करवाया जाता है ठीक है जनरली जो ट्रेनिंग होती है ये इलाहाबाद वाले सेंटर पर होती है, है ना तो आपको रहने वहने का अरेंजमेंट करवाया जाता है वो खर्चा ऊपर से आपको सैलरी देना स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट डे से आपके सैलरी काउंट होना स्टार्ट हो जाती है काम कुछ कर नहीं रहे हो आप उसके बाद आप ट्रेनिंग खत्म किया छोड़ के भाग गए तो फिर आपको पैसा पे करके जाना होगा तो वो होता है बॉन्ड का मतलब अगर आप छोड़ के भाग रहे हैं तो पैसा पे करना होगा ये होता है बॉन्ड का बॉन्ड का मतलब में हमें पैसे नहीं देने होते वी डोंट हैव टू पे तो आप इन बैचेज को देख सकते हो यहां पर सिक्स मंथ की वैलिडिटी के साथ बैच मिल रहा है ट्वेंटी सिक्स ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है क्लासेज जो होगी मॉर्निंग नाइन ए से लेके सेवन थर्टी के बीच में शेड्यूल होंगी ठीक है इंग्लिश भी होगा इसमें जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स भी होगा क्वांट एंड रीजनिंग भी होगा फिजिक्स भी होगा मैथ्स भी होगा सब कुछ कवर होगा इसमें इन बैचेज में सब कुछ कवर होगा और उसके अलावा ये लाइव में सेशन्स होंगे और लाइव में जब आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर जब भी कोई कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इस तरह से चैट जब लिख करके आप भेजते हैं यहाँ पे और तो ये बीस सेकेंड बाद जो आ रहा होता है ना हमारे पास फिर हम उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करते हैं तब तक आगे बढ़ चुके होते हैं वो नहीं होता है रियल टाइम में इंटरेक्शन होता है और उसके अलावा चैट के अलावा आप बोल के भी बात कर सकते हैं फैकल्टी से उस टाइम पर तो आप कमेंट बोल के भी कर सकते हैं कोई भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो आप इन बैचेज को देख सकते हो इनका जो भी और फीचर्स हैं सिलेबस में फिजिक्स मैथ जनरल इंटेलिजेंस जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश सब कुछ कवर होगा ठीक है अच्छा ये जो प्राइस है नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन है वैसे आपको एक लाख की ट्वेल्व लैक्स पर एन की जॉब के लिए इतना पैसा खर्च करने से चूकना नहीं चाहिए हमारे टाइम पे तो ऑनलाइन फैसिलिटीज होती ही नहीं थी तो हमें कोई भी कोई कोचिंग ज्वाइन करनी होती थी कोई कोर्स ज्वाइन करना होता था तो घर से आने जाने का जो पेट्रोल का या फिर अगर हम ट्रांसपोर्ट से जाते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो ही इतना खर्चा हो जाता होगा उस टाइम पर हम लोग का तो आपको ये पूरा कोर्स मिलता इतने में तो है ना बस इसमें और आप ऑफर अप्लाई करके इसको और अमेजिंगली अफोर्डेबल बना सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है आपको कोड यूज में लेना है that is G657. G657 अगर आप code देखो फिर तो ये आ रहा है ट्वेंटी टू हंड्रेड नाइनटी नाइन में ट्वेंटी टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन में आ जा रहा है, है ना इससे का, इससे ज्यादा अफोर्डेबल कैसे हो सकता है कोई कोर्स ट्वेंटी टू हंड्रेड नाइनटी नाइन में सिक्स मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है अब देखो मेरा जो अभी का एक्सपीरियंस है है देखो अभी छह महीने भी नहीं हुए एग्जाम होकर चुका है जुलाई में है ना और उसके बाद नेक्स्ट वापस से अगला नोटिफिकेशन आ गया एआई का और इससे थोड़े दिन पहले ही आपको पता होगा आईएमडी का एग्जाम होकर चुका है एसएससी आईएमडी का उसमें भी यही सेम सिलेबस था फिजिक्स था मैथमेटिक्स था जनरल वाला पार्ट था उसमें भी सेम था तो जिन लोगों ने उस टाइम पर एसएससी आईएमडी का डेडिकेटेड बैच या ऐसे ए का डेडिकेटेड बैच ज्वाइन करने के बजाय महापैक खरीद लिया होगा वो उस कोर्स को भी उन्होंने एंजॉय किया होगा और इस कोर्स में भी वो एंजॉय करेंगे महापैक में क्या मिलता है देखिए आपको महापैक के बारे में बता देता हूं आपके ब्रांच फॉर एग्जांपल ईसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल मैकेनिकल में से कोई हो सकती है तो आप इंजीनियरिंग महापैक में जाएंगे तो यहां पर हर एक डिफरेंट ब्रांचेस के लिए महापैक है इन महापैक को ज्वाइन करने से क्या होगा आपका देखें ये जैसे यहाँ पे ईसी इलेक्ट्रिकल का महापैक है इसमें अरे बाबा रे ये ईयर एंड में सेल स्टार्ट होगी देखो यहाँ पे अभी तक 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती थी अब 12 प्लस 12 मंथ्स मींस टू इयर्स की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है यहां पर इस महापैक में अगले 12 अगर ये आप ईयर एंड सेल में अगर ज्वाइन कर लेंगे तो उस केस में यहां पर आपको दो साल की वैलिडिटी मिल जाएगी मतलब एक इसको तो लाइफ टाइम बोलते हैं दो साल में तो कोई भी एग्जाम निकल ही जाएगा आपका टाइम लगेगा ठीक है ये हो ही जाएगा इसमें भी आप अगर हो होने वाला है सर इसमें भी अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे दैट इज जी सिक्स फाइव सेवन तो ये देखो बत्तीस सौ में मिल रहा है ट्वेंटी फोर के लिए आप समझ सकते हो इस ट्वेंटी फोर मंथ में मैं तो ये चाहता हूं कि आपका AI का एग्जाम निकल जाए ठीक है इसी बार निकल जाए अभी फैब में जो एग्जाम होने वाला है उसके बाद आप फ्री हो जाएं उसके बाद जल्दी से जाएं अपना ट्रेनिंग ज्वाइन करें वहां पे एंजॉय करें खाए पिए करें वहां पर अपने छह महीने तक अपनी ट्रेनिंग में अच्छा पैसा कमाएं घर पे भी पैसा भेजना स्टार्ट करें लेकिन फिर भी बाई चांस नहीं होता है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहने वाली हैं चाहे आप सिविल ब्रांच में हो सिविल के भी एग्जाम्स निकलते रहते हैं इसी तरीके के वैकेंसीज निकलती रहती हैं मैकेनिकल में हो अच्छा ये जो है इस इस AI में तो सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है इंजीनियर ग्रेजुएट एलिजिबल है बीएससी वाले भी एलिजिबल है तो बीएससी वालों के लिए जैसे अभी इससे पहले एसएससी आईएमडी का एग्जाम आया था उसमें भी बीएससी वाले एलिजिबल थे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें बीएससी ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल होते हैं और उनमें अगर फिजिक्स मैथमेटिक्स ये पूछा जाता है तो बीएससी वाले उनको क्रैक भी कर सकते हैं आराम से तो वो लोग भी इनमें से कोई इंजीनियर वहां ज्वाइन कर सकते हैं फिर जिनमें बी एस भी एलिजिबल होगा उन को आप बिल्कुल कभी भी आ, उनके सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा अलग से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप ये ले सकते हैं अगर ये नहीं तो फिर आप ए का जो डेडिकेटेड बैच है जो ट्वेंटी को स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं तो आप इन बैचेज को ज्वाइन कर ले देखो हमने अभी एनालाइज किया है कि टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है हमें बिना टाइम गंवाए बैचेज के स्टार्ट होने से पहले बैचेज को ज्वाइन कर लें और अभी ये क्रिसमस सेल चल रही है ट्वेंटी तो तक कहीं आप उसके बाद सोचें कहीं फिर ये सेल खत्म ना हो जाए है ना तो ये वाला कोड यूज में लेना है जी six, five, अच्छा और एक चीज और अगर आप ये अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट की बजाय अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर जाकर के देखेंगे तो एक्स्ट्रा वन परसेंट और मिल जाएगा आपको इसी में एक्स्ट्रा वन परसेंट ऑफर प्राइस और हो जाएगी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं तो आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप तो इंस्टॉल कर ही लेनी चाहिए और अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर इन कोर्सेज को भी जाकर के आप देख सकते हो वहां पर एक्स्ट्रा आपको कॉइन बैलेंस मिलेगा उस कॉइन बैलेंस को आप रिडीम करके वन परसेंट का ऑफर और अप्लाई कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि सब लोग को यह पता चल गया होगा कि एग्जाम कब होने वाला है इस सेशन से तो एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं है एक भी दिन को गंवाए बिना आज से ही अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि जब जागो तभी सवेरा चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट